हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं पनीर चीज़ बॉल की रेसिपी। सो फर्स्ट हम पनीर को स्मैश कर लेंगे अच्छे से। नेक्स्ट 2 क्यूब्स ऑफ चीज़ को अच्छे से स्मैश करेंगे पनीर में ही। सो उसको अच्छे से मिला लेना है। अब हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ऑफ चॉप्ड ओनियन, 2 to 3 टेबलस्पून ऑफ कॉर्नफ्लावर। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि जो कुछ पनीर है एंड ओनियन है उसको कॉर्नफ्लावर अच्छे से लगे। अब हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ऑफ चाट मसाला। इसके बाद कुछ सीजनिंग्स एंड चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। ये सब टेस्ट के हिसाब से ऐड करना है। अगर सीजनिंग नहीं है तो आप कोई भी हर्ब्स यूज़ कर सकते हैं, एंड चिली फ्लेक्स को जो हमारे रेड चिलीज रहती है उसको क्रश करके भी ऐड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हम डालेंगे उसमें चॉप्ड कोरिएंडर एंड उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और एक सॉफ्ट डो बनाना है। पनीर में मॉइस्चर होता है सो पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। डिप करने के लिए अभी हम कॉर्नफ्लावर स्लरी बनाएंगे। सो 3 टेबलस्पून ऑफ कॉर्नफ्लावर लेना है, उसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है एंड थोड़ा थिक ही स्लरी रखना है ताकि जो चीज़ बॉल है उसमें राउंड में थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर लग जाए। एक बाउल में टोस्ट क्रश करके लेना है। तो मेन प्रिपरेशन हो गई है। 5 मिनट के लिए हम जो डव है उसको रखेंगे, उसके बाद हम छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। तब तक हम एक पैन में ऑयल ऐड कर लेंगे। डीप फ्राई करना है तो थोड़ा उस हिसाब से आपको ऑयल लेना है। उसके बाद हम छोटे बॉल्स बनाएंगे। मैंने यहाँ पे थोड़ा अंदर चीज़ भी ऐड किया है ताकि थोड़ा सा चीज़ी बॉल बन सके। आप पहले से ही डो में चीज़ ऐड है सो इट्स टोटली ऑप्शनल कि आपको ऐड करना है कि नहीं करना है। उसके बाद चीज़ बॉल को जो हमने कॉर्नफ्लावर स्लरी बनाई है उसमें डिप करना है एंड क्रश टोस्ट में उसको अच्छे से कोट करना है। कोटिंग काफ़ी अच्छे से करनी है हमें ताकि जो चीज़ बॉल है उसका जो आउटर शेप है वो थोड़ा सा थिक बन सके एंड हमारा जो बॉल है वो ऑयल में फूट ना जाए। सभी बॉल्स बनने के बाद हमें कुछ टाइम के लिए उसे फ्रीज करके रखना है, मतलब थोड़ा सा जो हमने क्रश टोस्ट लगाया है वो थोड़ा सा सेट हो जाए, तब जाके हम उसे डीप फ्राई करेंगे। जब तक बॉल्स का कलर जो है वो ब्राउन टर्न नहीं हो जाता है तब तक हमें अच्छे से फ्राई करना है। लो मीडियम पे फ्राई करना है ताकि जो इनर पोर्शन ऑफ बॉल्स है वो अच्छे से पक जाए। ये काफ़ी अच्छा कलर आ गया है इनसे। सो ऑलमोस्ट हमारे जो चीज़ बॉल है वो रेडी है। काफ़ी इजी रेसिपी है एंड काफ़ी जल्दी बन जाएंगे ये चीज़ बॉल, खाने के लिए भी काफ़ी टेस्टी लगेंगे। सो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बॉल ओपन करके दिखा देती हूँ कि काफ़ी अच्छे से जो चीज़ है वो मेल्ट हो गया है। सो ये रिक्वेस्टेड वीडियो थी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है सो कमेंट सेक्शन में आप बताना ना भूलिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलिए। मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।